राजा से करीब जाना। यह वादा गांजेबा दीदी सटे घोड़ा में 6 जनवरी को कमरे में मिली युवती के शव के मामले का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने मृतका के लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बहन की मौत के बाद युवती अपने जीजा से अक्सर बात करती थी। शव के कारण दोनों में झगड़ा हुआ और आरोपी ने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्याम मनोहर उप शामू के तौर पर हुई है, जो हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र का मूल निवासी है। बुलंदर शहर की आकर्षा 21 के साथ खोड़ा के दीपक विहार में किसी किराए के कमरे में रह रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी एक कंपनी में सुपरवाइजर था और वहीं आकांक्षा भी काम करती थी। उसी बीच दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद वह दोनों साथ में रहने लगे। 28 दिसंबर को आकांक्षा की बड़ी बहन की मौत हो गई। जीजा से वह अक्सर बात करती थी। यह आरोपी को पसंद नहीं था, इस बीच शक करने लगा। उसी दौरान लाल रंग के दुपट्टे से गला दबा कर हत्या कर दी। इससे पहले शादीशुदा था आरोपी। पूछताछ के बाद शामू शादीशुदा निकला। इस बारे में आकांक्षा को पता भी नहीं था। साथ ही एक 3 साल का बच्चा भी है। आकांक्षा की मां ने शामू पर